स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। मित्रों, आज हम ज्योतिष के जिस टॉपिक को टच करेंगे या समझेंगे वह है वर्ग होरा। देखिए, काल होरा अलग होता है और वर्ग होरा अलग होता है। काल होरा को हम कभी और इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारा चर्चा का विषय है वर्ग होरा। T2 चार्ट जो होता है उसका कुंडली अध्ययन में बहुत महत्व होता है। मित्रों, किसी भी कुंडली का दूसरा भाव धन का होता है और डिविजनल चार्ट 2 से हम इसका सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके बेसिक समझते हैं। एक राशि में 30 डिग्री होती है। 30 डिग्री को जब दो भागों में विभाजित करते हैं तो 15 डिग्री के दो दो भाग बन जाते हैं। इसमें एक भाग सूर्य का होता है, जिसे हम सूर्य का होरा कहते हैं, एवं दूसरा भाग चंद्रमा का होता है, जिसे हम चंद्र का होरा कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सिर्फ सूर्य और चंद्रमा ही क्यों लिए जाते हैं इस गणना में। देखिए मित्रों, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पिता का और चंद्रमा को माता का स्थान दिया गया है, और किसी जातक को माता पिता के आशीर्वाद के बिना या उनकी ब्लेसिंग्स या टीचिंग्स के बिना धन प्राप्त नहीं हो सकता। ध्यान से समझिएगा, सूर्य का होरा कौन सा होता है और चंद्र का होरा कौन सा होता है। देखिए, जब हम विषम राशि की बात करते हैं तो 0 से 15 डिग्री सूर्य का होरा होता है और 16 से 30 डिग्री चंद्र का होरा होता है। मतलब मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ में शुरू का 0 से 15 डिग्री सूर्य का होरा होता है और बाद का 16 से 30 डिग्री चंद्र का होरा होता है। जब हम सम राशि की बात करते हैं तो 0 से 15 डिग्री चंद्र का होरा होता है और बाद का 16 से 30 डिग्री सूर्य का होरा कहलाता है। सम राशि मतलब वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। इनमें शुरू का होरा चंद्र का होता है 0 से 15 डिग्री का और बाद का होरा 16 से 30 डिग्री का सूर्य का होता है। इस गणना के कुछ और बेसिक समझते हैं। ग्रहों को उनकी लिंग के आधार पर भी बांटा गया है दोस्तों। जैसे पुरुष ग्रह सूर्य, मंगल और बृहस्पति होते हैं। चंद्रमा, राहु और शुक्र स्त्री ग्रह होते हैं। और न्यूट्रल ग्रह जो होते हैं वो शनि, केतु और बुध होते हैं। उनकी क्वालिटीज़ के आधार पर भी उन्हें बांटा गया है। जैसे सत्व गुण में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा होते हैं। रजस गुण में बुध और शुक्र होते हैं और तमस गुण में मंगल और शनि होते हैं। उनके नेचर के आधार पर बांटा गया है। नेचुरल बेनिफिक जिन्हें कहा गया है वो है बृहस्पति, शुक्र, बुध और वैक्सिंग मून यानी कि बढ़ता हुआ चंद्रमा। और नेचुरल मेलिफिक जिन्हें कहा गया है वो है सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, बुध और वेनिंग मून यानी घटता हुआ चंद्रमा। और जो बुध होता है, अगर वो किसी मेलिफिक के साथ एसोसिएट हो जाए तो वो मेलिफिक होता है, और अगर किसी अच्छे ग्रह के साथ बेनिफिक के साथ एसोसिएट हो जाए तो वो बेनिफिक कहलाता है। अभी तक जो हमने समझा उसे एक डिटेल चार्ट के हिसाब से समझ लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ये बाद में कैलकुलेशन में बहुत काम में आएगा। देखिए, मेष जब राशि रहेगी, सूर्य का होरा 0 से 15 डिग्री, मून का होरा 16 से 30 डिग्री। वृषभ राशि में 16 से 30 डिग्री सूर्य का होरा रहेगा, मून का होरा 0 से 15 डिग्री। मिथुन में सूर्य का होरा 0 से 15 डिग्री और चंद्र का होरा 16 से 30 डिग्री। कर्क में चंद्रमा का होरा 0 से 15 डिग्री और सूर्य का होरा 16 से 30 डिग्री। सिंह में 0 से 15 डिग्री सूर्य का होरा और चंद्र का होरा 16 से 30 डिग्री। कन्या में चंद्रमा का होरा 0 से 15 डिग्री और सूर्य का होरा 16 से 30 डिग्री। तुला में सूर्य का होरा 0 से 15 डिग्री और चंद्र का होरा 16 से 30 डिग्री। वृश्चिक में चंद्र का होरा 0 से 15 डिग्री और सूर्य का होरा 16 से 30 डिग्री। धनु में सूर्य का होरा 0 से 15 डिग्री और चंद्र का होरा उसमें 16 से 30 डिग्री हो जाएगा। मकर में चंद्र का होरा 0 से 15 डिग्री और सूर्य का होरा 16 से 30 डिग्री। कुंभ में सूर्य का होरा 0 से 15 डिग्री और
चंद्र का हो रहा 16 से 30 डिग्री। इसी हिसाब से अल्टरनेट हमें चलना है मित्रों, ये समझिएगा आप लोग। और फिर आखिरी राशि मीन में चंद्र का हो रहा 0 से 15 डिग्री और सूर्य का हो रहा 16 से 30 डिग्री। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे और आपको कुंडली अध्ययन की विस्तृत जानकारी हम दे सकें। क्या हम D2 एनालिसिस से सिर्फ व्यक्ति की धन संपत्ति ही देख सकते हैं? नहीं मित्रों, इससे बहुत कुछ और भी देखा जा सकता है, जैसे चल संपत्ति, मूवेबल वेल्थ जिसे कहते हैं, व्हीकल वगैरह देखा जा सकता है, करेंसी ऑफ फ्लो। पुराने ज़माने में जैसे कहा जाता था कि खजाना किसके पास कितना है या आभूषणों का आधिपत्य कितना है, यह भी इससे देखा जा सकता है। इससे दूसरे और 11वें भाव का फल देखा जा सकता है, जो मेन कुंडली का दूसरा और 11वां भाव रहता है उसका फल भी देखा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जिसे बहुत से ज्योतिष नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है दशा का फल। अब दशा क्या होती है? दशा का मतलब होता है हालात। तो किसी पर्टिकुलर ग्रह की दशा में आपकी स्थिति, आपके हालात क्या रहेंगे, बद से बदतर होंगे या कुछ सुधरेंगे, इसे हम डिटेल में वीडियो के एंड में समझेंगे एक एग्जांपल के साथ, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। इसे हम बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, आप देखते रहिए वीडियो आगे भी। जैसा कि बताया कि D2 की एनालिसिस में या विश्लेषण में दो ही ग्रह लिए जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा, तो लग्न भी दो ही होंगे, कर्क लग्न या फिर सूर्य लग्न। अब ऐसा माना जाता है कि चंद्र का हो रहा हो या कर्क लग्न हो, उसमें व्यक्ति को धनार्जन में ज़्यादा कष्ट नहीं होता और वह इजीली धन कमाता है या पैतृक धन संपत्ति का लाभ उठाता है। वहीं सिंह लग्न हो या सूर्य का हो रहा हो तो व्यक्ति को कड़ी मेहनत लगती है धन अर्जन करने में और वह अपना स्वयं का भाग्य बनाता है। अब डिपेंड करता है कैलकुलेशंस कैसे बैठती हैं D1 चार्ट में। तो चलिए आइए हम दोनों ही होरा के कुछ गुण और दोष को समझते हैं। जैसे कि कर्क होरा में अगर चंद्रमा कर्क होरा में ही बैठा हो तो अच्छा रिजल्ट देगा। शनि और शुक्र बेनिफिशियरी होते हैं कर्क होरा के लिए, शुभ माने जाते हैं कर्क होरा के लिए। बुध अच्छा और बुरा रिजल्ट दोनों होरा में देता है, वो डिपेंड करता है उसकी प्लेसमेंट कैसी है मेन कुंडली में, मेन बर्थ चार्ट में। बुरे ग्रह जो हमने पहले चार्ट में देखा था, मेलिफिक प्लैनेट्स जो हमने लिखे थे, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते कर्क होरा में। अब सिंह होरा में बात कर लेते हैं, अगर सूर्य खुद अपनी होरा में बैठा हो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पे मेलिफिक प्लैनेट्स जो हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, मंगल और बृहस्पति वो बहुत शुभ माने गए हैं सिंह होरा के लिए। और अगर दोनों ही होरा में मिक्स्ड प्लैनेट चले जाएं, शुभ अशुभ दोनों उसमें चले जाएं, तो रिजल्ट जो मिलता है वो भी मिक्स्ड रिजल्ट ही मिलता है। अब देखिए, दो ग्रह लिए थे सूर्य और चंद्र, तो होरा भी दो बने, कर्क होरा और सिंह होरा। कर्क होरा में दूसरा भाव देखिए सिंह राशि का पड़ रहा है, दूसरा भाव होता है धन का भाव। वहीं सिंह होरा में 12वां भाव कर्क राशि का पड़ रहा है, जो होता है व्यय का भाव। तो हमें धन भाव और व्यय भाव इन्हीं दोनों को देखना है। कर्क होरा में धन भाव मजबूत होना चाहिए और सिंह होरा में व्यय भाव को मजबूत नहीं होना चाहिए, वरना जातक को धन अर्जन में बहुत दिक्कत होती है। होरा एनालिसिस के पहले कुछ पॉइंट समझना जरूरी है, जैसे होरा का स्वामी अपने ही होरा में अच्छा फल देगा, चंद्रमा जो है वो कर्क होरा में अच्छा फल देगा और सूर्य जो है वो सिंह होरा में अच्छा फल देगा। त्रिकोण और केंद्र में जो ग्रह हैं मेन बर्थ कुंडली में, वो अच्छा रिजल्ट देंगे अगर फ्रेंडली होरा में बैठे। दूसरे और 11वें भाव के स्वामी जो मेन बर्थ कुंडली में हैं, वो अच्छा फल देंगे अगर फ्रेंडली होरा में हैं और बुरा फल देंगे अगर दुश्मन के होरा में हैं, एनिमी होरा में हैं। अब फ्रेंडली होरा जैसे मेल ग्रह मेल होरा में बैठा हो, मंगल अगर सूर्य की होरा में है तो अच्छा फल देगा,
फीमेल ग्रह अगर फीमेल होरा में, शुक्र अगर चंद्रमा की होरा में है तो अच्छा फल देगा, लेकिन अगर इसके अपोजिट हो जाए तो ये बैड रिजल्ट देते हैं, बुरा फल देते हैं। होरा लग्न बुरा फल देगा अगर वो मेन बर्थ कुंडली में 6, 8, 12 में पड़ जाए तो। अब जो स्वामी होता है होरा का, वो अगर नीच का हो जाए मेन बर्थ कुंडली में तो फल अच्छा नहीं मिलेगा। अगर वो जो ग्रह है वो अपोजिट होरा में, मतलब मेल फीमेल में बैठे या फीमेल मेल में बैठे, तो और साथ में D1 में अगर नीच का हो जाए वो, तो वो उस व्यक्ति की जो इनकम है वो बहुत कम होगी और वेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय होगी। अगर ग्रह अच्छी होरा में बैठे और मेन बर्थ कुंडली में भी फ्रेंडली साइन में है या उच्च के होके बैठे हैं तो सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर ग्रह अपोजिट होरा में है, एनिमी होरा में है, लेकिन मेन बर्थ कुंडली में अच्छे हैं, तो जो ग्रोथ रहेगी वो एवरेज रहेगी, उसको व्यक्ति को एवरेज रिजल्ट मिलेगा। देखिए बेसिक्स हमने पूरे समझ लिए हैं, अब हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एक इमेजिनरी कुंडली लेते हैं मिथुन लग्न की। देखिए ये हमने एक मिथुन लग्न की कुंडली ली है, ये कैलकुलेशंस लिखे हैं, मिथुन लग्न में 12:27 पे एंट्री हो रही है। पुराने बेसिक्स रिकॉल कर लेते हैं। विषम राशि में सूर्य 0 से 15 और चंद्रमा 16 से 30, सम राशि में चंद्रमा 0 से 15 और सूर्य 16 से 30। देखिए मिथुन लग्न एक विषम राशि है, ये 12:27 पे है। इसमें विषम राशि में 0 से 15 सूर्य का होरा होता है, तो ये सूर्य का होरा बनेगा। अब हम एक एक ग्रह ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले सूर्य को लेते हैं। सूर्य मेन कुंडली में पहले नंबर की राशि में है, मतलब 11वें घर में पहले नंबर की राशि में है। पहले नंबर की राशि विषम राशि होती है, तो यह चंद्रमा के होरा में जाएगा। अब चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा 2:16 पे है। 11 नंबर की राशि में है जो विषम राशि है, तो यह सूर्य के होरा में जाएगा। अब मंगल को देखिए, मंगल 17:13 पे है, लग्न कुंडली में 1 की राशि में है जो विषम राशि है, तो यह सूर्य के होरा में जाएगा। बुध को देखिए, बुध 3:30 पे है, 1 की राशि में है, 11वें भाव में है, ये 1 की राशि विषम होती है, तो यह सूर्य के होरा में जाएगा। बृहस्पति को देखिए, 22:27 पे है, 10 जहां लिखा है वहां पे देखिए बृहस्पति होंगे, 10 की राशि में है, ये सम राशि है, तो यह सूर्य के होरा में जाएंगे। अब शुक्र को देखिए, शुक्र 12 की राशि में है, 17:27 पे है, 12 की राशि सम राशि है, तो यह सूर्य के होरा में जाएंगे। अब शनि को देखिए, शनि 1:25 में है, यह 8 की राशि में है, सम राशि है, तो यह चंद्रमा के होरा में जाएंगे। अब राहु को देखिए, राहु 24:36 पे हैं, 1 की राशि में है, विषम राशि में है, तो ये चंद्रमा के होरा में जाएंगे। अब केतु को देखिए, 24:36 पे हैं, ये 7 की राशि में है जो एक विषम राशि है, तो ये चंद्रमा के होरा में जाएंगे। तो देखिए सूर्य की होरा में आ गए हैं शुक्र, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति। और चंद्रमा की होरा में हमने कैलकुलेट करके रखा है सूर्य को, शनि को, राहु को और केतु को। देखिए मित्रों, ये तो हमने कैलकुलेशन के हिसाब से इन्हें प्लेस कर दिया है सूर्य की होरा और चंद्रमा की होरा में, लेकिन आगे और भी कैलकुलेशंस रहती हैं इसके आगे। जैसे कि अगर लग्न कुंडली में, मेन कुंडली में वह ग्रह किस बल में बैठा है, उसका बल देखा जाता है, क्या वो उच्च का है या वो मित्र राशि में है या फिर वो सम राशि में है, नीच राशि में है या अपनी खुद की राशि में है, यह सब देखा जाता है, उसका बलाबल देखा जाता है। उसके बाद ही हम यह बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रह उस पर्टिकुलर होरा में क्या फल देगा। इसे हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे ज़रूर, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो हमने इन्हें सिर्फ प्लेस कर दिया है सूर्य की होरा और चंद्रमा की होरा में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या ज्ञानवर्धक लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और भी ऐसे ही वीडियोस बनाने का। देखिए मित्रों, ये एक कोशिश करी है आपको अच्छे से अच्छा वीडियो देने की, D2 एनालिसिस को ब्रीफ में डिस्क्राइब करने की।
कोशिश करूंगा कि और भी दूसरे चार्ट जैसे D3 होता है, D9 होता है, D10 होता है, इनको भी डिटेल में एनालिसिस करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। देखिए अभी तक हमने क्या किया है और क्यों किया है, उसका क्या प्रयोजन है, यह समझिए आप। जो मेन कुंडली है उसका जो सेकंड हाउस था, धन का हाउस, जो दूसरा घर था, धन भाव था, उसको हमने मैग्नीफाई किया है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम इसका और डीप एनालिसिस करेंगे और उस डीप एनालिसिस को करने के पहले मैं आपको कुछ सूत्र बताता हूँ, वो ध्यान से समझ लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा कि कौन से ग्रह किस होरा में थे, अब हम देखते हैं इन ग्रहों की ताकत क्या है। अगर सिंह होरा में रहकर और ग्रह 12वें घर को मजबूत बनाते हैं तो वह व्यय करवाते हैं जातक का, और अगर कर्क होरा में रहके वो दूसरे घर को मजबूत बनाते हैं तो वो व्यक्ति को धनवान करते हैं। आइए हम एक टेबल से समझते हैं कि हम इसको कैसे आगे रिजॉल्व करेंगे। देखिए लग्न कुंडली जो रहती है, जो मेन कुंडली रहती है, उसमें ग्रहों के पॉइंट्स देख लीजिए। अगर उच्च का ग्रह है तो हम उसको 5 पॉइंट देंगे, अपनी ही राशि में है तो 4 पॉइंट देंगे, मित्र की राशि में 3 पॉइंट, सम राशि में 2 पॉइंट, शत्रु राशि में 1 पॉइंट, नीच में 0 पॉइंट देंगे। बृहस्पति कर्क होरा में 5 पॉइंट, मंगल कर्क होरा में 0 पॉइंट, सूर्य और चंद्रमा अपने अपने होरा में 4 पॉइंट, मंगल और बृहस्पति अगर कर्क होरा में होंगे तो 0.0 हो जाएंगे, सेम जेंडर में होंगे तो 0.0 हो जाएंगे, मतलब मेल प्लैनेट मेल राशि में तो 0.0 हो जाएंगे, फीमेल प्लैनेट फीमेल राशि में 0.0 रहेंगे, लेकिन अगर अपोजिट जेंडर में हुए तो 0.5 हो जाएंगे। आइए एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं, वही मिथुन लग्न की कुंडली देख लेते हैं। हम सूर्य के होरा जो हमने बनाया था वो निकाल लेते हैं, जो पॉइंट्स अभी हमने लिखे हैं किसको कौन कितने पॉइंट्स मिलते हैं वो टेबल रख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों एक नया टेबल हमने डिज़ाइन किया है जिसमें हमने मून होरा और सन होरा को लिखा हुआ है, और देखिए एक एक करके हम लेते हैं। पहले चंद्र होरा को देखते हैं। देखिए चंद्र होरा में सूर्य है, अब मेन कुंडली में देखिए सूर्य एक नंबर की राशि में है, मेष राशि में, यहाँ सूर्य उच्च के हो गए हैं तो यहाँ सूर्य को 5 पॉइंट मिल जाएंगे। अब जो जेंडर जो आखिरी कॉलम है इस टेबल का, देखिए जेंडर मेल लिखा हुआ है क्योंकि मेष राशि मेल जेंडर की होती है, सूर्य भी मेल जेंडर के हुए तो रीवैल्यू जो हुई वो इसकी डबल हो जाएगी। जो हमने पॉइंट्स अभी देखे थे उसमें मेल ग्रह अगर मेल राशि में होगा तो 0.0 हो जाएगी, तो यहाँ रीवैल्यू में सूर्य के 0.10 हो जाएंगे। अब देखिए शनि को देख लीजिए, शनि एक अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, 8 नंबर की राशि में बैठे हैं, वृश्चिक में, जो मंगल की राशि है, शत्रु की राशि है, शत्रु की राशि में उनको 1 नंबर मिलेगा। जब हम रीवैल्यू करेंगे इसको, वैसे तो शनि एक न्यूट्रल प्लैनेट है लेकिन इनको एक फीमेल का दर्जा दिया गया है ज्योतिष में, तो जब ये फीमेल की राशि में बैठेंगे तो इनके पॉइंट्स भी डबल हो जाएंगे, तो रीवैल्यू में इनका 0.2 आ जाएंगे। अब राहु देख लीजिए, राहु 1 नंबर में बैठे हैं, राहु जो हैं वो भी अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, मेल प्लैनेट हैं, मेल राशि में बैठे हैं तो पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। केतु को देख लीजिए, केतु 7 नंबर वाले उसमें बैठे हैं, 7 नंबर वाली राशि उनके मित्र की राशि है, मित्र की राशि में 3 पॉइंट मिलेंगे, मेल प्लैनेट मेल राशि रीवैल्यू में 0.0 हो जाएंगे, इनके रीवैल्यू में 6 पॉइंट आ जाएंगे। अब चलते हैं सूर्य की होरा में। देखिए सूर्य की होरा में सबसे पहला ग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा एक न्यूट्रल साइन में बैठे हुए हैं इसलिए उनको हमने 2 पॉइंट दे दिए, ये 11 नंबर की राशि में बैठे हैं जो कि एक जेंडर से मेल राशि है। अब चंद्रमा जो हैं वो फीमेल ग्रह हैं, ये विषम राशि है 11 नंबर की। अब चंद्रमा इसमें एज ए फीमेल ग्रह मेल राशि में बैठे हैं तो इनके जो पॉइंट हैं वो आधे हो जाएंगे, तो रीवैल्यू में इनके 0.1 आ जाएंगे। अब मंगल जो हैं वो भी न्यूट्रल राशि में बैठे हैं तो हम इनको 2 पॉइंट दे देते हैं, 2 नंबर की राशि में बैठे हैं लेकिन ये फीमेल राशि में बैठे हैं। अब ये मेल ग्रह होकर और फीमेल राशि में बैठे हैं तो हम जो इनकी रीवैल्यू करेंगे उसमें हम इनके पॉइंट जो हैं वो आधे कर देंगे और 1 पॉइंट इनको रीवैल्यू में मिल जाएगा।
अब देखिए बुध ग्रह को देखिए, बुध एक नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, यह एक विषम राशि में बैठे हैं और यह भी एक न्यूट्रल राशि में बैठे हुए हैं। अब बुध को वैसे तो न्यूट्रल ग्रह कहा जाता है, लेकिन इनको स्त्री का दर्जा भी दिया गया है, तो जो रिवैल्यू में है पॉइंट वो आधे हो जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा। अब बृहस्पति को देखिए, इस कुंडली में बृहस्पति नीच के होके बैठे हैं, नीच के होने में 0 पॉइंट रहेंगे, रीवैल्यू का कोई सवाल ही नहीं उठता, ना तो पॉइंट आधे होंगे ना पॉइंट डबल होंगे, तो रीवैल्यू में जो पॉइंट आएंगे इनके वो शून्य रहेगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं शुक्र की तरफ। शुक्र इस कुंडली में उच्च का होके बैठा हुआ है, उच्च का होने से इनको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। कौन सी राशि में है? 12 नंबर की राशि में है। अब 12 नंबर की राशि फीमेल राशि होती है, शुक्र भी फीमेल है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनके वो डबल हो जाएंगे, 5 के यहाँ पे 10 हो जाएंगे। अब हम दोनों ही राशियों का कैलकुलेट, दोनों ही होरा का कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने पॉइंट्स हो रहे हैं। देखिए, चंद्रमा की होरा के 20 पॉइंट हो रहे हैं और सूर्य की होरा के 13 पॉइंट हो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि व्यय भाव भारी पड़ रहा है, तो इस जातक को धनार्जन में काफ़ी परेशानी होनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही कोई रिजल्ट मिल पाएगा। अब क्या कोई व्यक्ति निराश होकर बैठ जाए कि मेरा D2 एनालिसिस में व्यय भाव भारी आ रहा है या मेरा धन भाव कम आ रहा है और वह कर्म ही ना करे? नहीं मित्रों, ये गलत है। अगर आपको याद हो तो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक स्लाइड दिखाई थी, उसमें बताया था कि D2 का जो एनालिसिस है वो मूवेबल असेट्स के लिए है या फ्लो ऑफ करेंसी के लिए है। इमूवेबल असेट्स के लिए हम D4 या D16 को देखते हैं। दूसरी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि जो बहुत सारे ज्योतिष आजकल टच नहीं करते हैं, वो है दशा। D2 से हम दशा का फल भी देख सकते हैं। आइए, इस जो एक मेन टॉपिक है इसके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं, और ये प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम होरा ले लेते हैं जो अभी हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए, दो होरा होते हैं, सूर्य का होरा और चंद्रमा का होरा। सूर्य एक क्रूर ग्रह है और चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। तो अगर चंद्रमा के होरा में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा चल रही है तो वह दशा सौम्य होगी, और सूर्य की होरा में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा चल रही है तो व्यक्ति को भागदौड़ करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे इसी होरा में जब भी चंद्रमा की, मंगल की, बुध की, बृहस्पति की या शुक्र की दशा चलेगी तो व्यक्ति को अधिक कष्ट होगा, अधिक भागदौड़ होगी, अधिक एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और जब चंद्रमा के होरा में बैठे ग्रहों की दशा होगी, जैसे सूर्य की, शनि की, राहु की या केतु की, तो थोड़ी लाइफ इजी हो जाएगी और दशा सौम्य रहेगी। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि होरा शुरुआत में पूर्ण बली रहेगा और अंत में कम बली रहेगा। देखिए, चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं, जब 0 से 5 डिग्री और 15 से 20 डिग्री रहेगा तो सबसे ज़्यादा बलि रहेगा, पूर्ण बलि रहेगा। जब 5 से 10 डिग्री और 20 से 25 डिग्री रहेगा तो मध्यम बलि रहेगा, और जब 10 से 15 डिग्री और 25 से 30 डिग्री रहेगा तो वो बहुत कम बलि रहेगा, वीक रहेगा। यह हमने होरा की बात। अब इन होरा में जो ग्रह आएंगे उनकी दशा का फल भी वैसा ही मिलेगा। 0 से 5 डिग्री और 15 से 20 डिग्री की होरा में अगर अच्छे ग्रह आते हैं तो दशा का फल अच्छा होगा, बुरे ग्रह आते हैं तो फल बुरा होगा। 5 से 10 डिग्री और 20 से 25 डिग्री की होरा में जो ग्रह आएंगे उनका दशा फल एवरेज रहेगा, और 10 से 15 और 25 से 30 डिग्री में अगर अच्छे ग्रह आते हैं तो दशा का फल वीक रहेगा, और अगर बुरे ग्रह भी आ गए तो भी दशा का फल वीक ही रहेगा, वो ज़्यादा बुरा भी नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आपने वीडियो से कुछ अच्छा सीखा होगा। आगे भी हम इसी तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।